स्वागत है आप सभी का इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ईंधन पर आधारित है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से या इस लेक्चर के माध्यम से सबसे पहले ईंधन के बारे में जानेंगे, साथ ही जानेंगे ईंधन के गुणों के बारे में कि ईंधन में कौन कौन से गुण होते हैं और ईंधन के उच्च ऊष्मीमान और निम्न ऊष्मीमान के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। काफी सरल और आसान भाषा में कभी कभार इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ईंधन की। ईंधन किसी भी देश तथा उद्योग धंधों का एक मूलभूत आवश्यकता है। किसी भी देश के विकास के लिए ईंधन का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जितना भी आपने देखा होगा प्रत्येक देश ईंधन के लिए ही अपने कोशिश करता है। यदि बात करें कि जितने भी अरब कंट्रियों में होता है तो हम लोग वहां पर क्यों डिपेंड हैं, वहां से ईंधन के रूप में जो हमें क्रूड ऑयल मिलता है, कच्चा तेल मिलता है, उसी पे तो डेवलप है। क्योंकि कई ऐसे देश हैं जहां पर खुद पेट्रोलियम पदार्थ वहां पर उत्पन्न नहीं होते हैं, तो वो दूसरे देशों से पेट्रोलियम पदार्थों को मंगाते हैं। ये सब ईंधन ही तो है। यदि बाइक को चलाना है तो ईंधन के रूप में हम लोग पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी ट्रक बस इत्यादि को चलाना है तो ईंधन के रूप में हम लोग डीजल का इस्तेमाल करते हैं। खाना बनाने के लिए हम लोग एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं और आपके टैक्सी वगैरह में हम लोग सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी क्या है, ईंधन है और ईंधन का काफी महत्वपूर्ण योगदान है किसी भी देश के विकास में और उद्योग धंधों के विकास में। तो शुरुआत करते हैं कि ईंधन कहते किसे हैं। यदि एक डेफिनेशन लिखने को आ जाए कि व्हाट इज फ्यूल, ईंधन क्या है, तो ईंधन क्या है, वे पदार्थ। अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन या परिभाषा ईंधन की होगी वे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या हवा की उपस्थिति में जलते हैं और जिनके जलने से ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। जब कोई चीज जलेगी तो ऊष्मा तो उत्पन्न होगी ही होगी और जब वो जलती है तो साथ में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो ईंधन क्या है, वे ईंधन जो ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त होता है उन्हें हम ईंधन कहते हैं। तो आप समझ गए ईंधन की डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि ईंधन के कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं, क्या इनके एलिमेंट हैं ईंधन के। तो मूलतया ईंधन में कार्बन, हाइड्रोजन तथा कभी कभी ईंधन दहनशील तत्व पाए जाते हैं। ठोस ईंधन में आपके हाइड्रोजन, कार्बन तथा ऑक्सीजन के साथ साथ संयुक्त अवस्था में होते हैं। और यदि गैसों की बात करें तो गैसों में ईंधन हाइड्रोजन मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। ठोस, द्रव तथा गैस ईंधन में कार्बन अन्य तत्वों के साथ मिलकर संयुक्त अवस्था में होते हैं, परंतु कोक का मतलब आपका एक वैरायटी समझ लिए कोयला। कोक तथा कोयले में कार्बन का अधिकांश भाग तत्व रूप में उपस्थित होता है। कभी कभी ईंधन में
अज्वलनशील पदार्थ भी होते हैं, जैसे कि आपके नाइट्रोजन और जल वाष्प इत्यादि। तब जैसे मान लीजिए जल वाष्प क्या है, एक गीला कोयला है, यदि गीले कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले उस कि अंदर की जो नमी है वो वाष्प में बदलती है, तो वो जल वाष्प कहलाती है। और जब वो उसकी जल वाष्प निकल जाती है फिर उसके बाद हमें वहां से ऊष्मा प्राप्त होती है, तभी वो जलेगा। कोई भी चीज गीली नहीं जलेगी जब तक उसके अंदर जल वाष्प है, तब तक तो वो जलने से रही नहीं। परंतु जब हम उसको काफी लंबे समय तक उसको गर्म करते रहते तो जल वाष्प जब उसकी निकल जाती है तभी वो चीज जलती है। तो ये तो हो जाते हैं उसके कंपोजिशन। यदि बात करें कि ईंधन के आवश्यक गुण कौन कौन से होने चाहिए, क्या ईंधन के आवश्यक गुण है, तो मूल रूप से आप समझ लीजिए कि ईंधन ऐसा होना चाहिए जो कि अधिक ऊष्मान वाला हो। यदि हम उसको जलाएं तो सबसे ज्यादा उसमें कैलोरीफिक वैल्यू उच्च ऊष्मान प्राप्त हो, मतलब यदि हम कम जलाते हैं तो उससे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होनी चाहिए। एक दूसरा गुण उसका होना चाहिए कि वो कम से कम स्थान घेरे, मतलब यदि हम उसको रखें तो कम से कम जगह में आ जाए परंतु उसमें ऊष्मान अधिक होना चाहिए। ईंधन को जलाने पर विषैले तत्व उत्पन्न नहीं होने चाहिए और ईंधन को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जाया जा सके, मतलब हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन वो इजी हो। अगर ये गुण खासकर ईंधन में होने चाहिए, सदा ही अच्छे ईंधन का उपयोग किया जाता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम बेस्ट से बेस्ट ईंधन का इस्तेमाल करें। जिससे क्या हो, यदि हम बेस्ट ईंधन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमारा कम से कम व्यय में कम से कम लागत में हमें अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त हो। ये मुख्य विचार दिमाग में रखा जाता है अगर ईंधन की बात करते हैं। साथ ही उसकी ज्वलन ताप तथा दहन के लिए वायु या ऑक्सीजन की कम से कम मात्रा देनी पड़े, मतलब हमें उसमें कम से कम उसमें वायु की जरूरत पड़े। तो ये सब गुण होने चाहिए। साथ ही ज्वलन ताप जिसे कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप विभिन्न ईंधनों का, जितने भी ईंधन हैं सभी का जलने का तापमान अलग अलग होता है। अगर शुरू बात करें कि सीएनजी या एलपीजी को जलाते हैं तो वो तुरंत आग पकड़ लेता है, उसी जगह अगर पेट्रोल में आग लगाएंगे तो पेट्रोल में क्या होगा, कुछ देर से आग लगेगी, मिट्टी के तेल में और देर से आग लगेगी और डीजल में और देर से आग लगेगी, और अगर लकड़ी की बात करें तो लकड़ी भी जलने में क्या करेगी, थोड़ा देर से जलेगी। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक ईंधन का अलग अलग टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पर वो जलना प्रारंभ कर देता है। यदि ईंधन उस टेम्परेचर पर नहीं पहुंच पाता है तो वो कभी भी जलेगा नहीं, क्योंकि उसको जलने के लिए वो निश्चित तापमान जरूर चाहिए होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि जब आग जल रही हो तो हम लोग उसके ऊपर से हाथ निकाल देते हैं, ऐसे हाथ घुमा देते हैं, तो क्या होता है कि हाथ जलता नहीं है, क्यों, कि हाथ को जलने के लिए एक निश्चित तापमान चाहिए, वो तापमान पहुंच नहीं पाता है, हम लोग हाथ को हटा देते हैं। तो वही कहा गया है कि प्रत्येक ईंधन का एक निश्चित तापमान है, जिस तापमान पर वो जलना प्रारंभ कर देता है या जलता है। ठीक है,
यदि बात करें कि ज्वलनता वह कम से कम तापमान जिस पर कोई ईंधन जलना प्रारंभ कर देता है उसे हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। तो आप समझ गए कि ज्वलन ताप क्या कहलाया, वो कम से कम तापमान जिस तापमान पर कोई वस्तु या कोई भी ईंधन जलना प्रारंभ करते हैं उसे हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वलन ताप को क्या किया उन्होंने, परिभाषित कर दिया। अब सेकंड आता है आपका उन ईंधन का ऊष्मीमान, जिसे कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ऊष्मीमान क्या है, क्या कहलाता है, इसके बारे में आप समझेंगे हम लोग। किसी अच्छे ईंधन का मुख्य गुण उसका ऊष्मीमान होता है। मतलब यदि ईंधन के गुणों की बात करें तो सबसे मुख्य गुण उसका ऊष्मीमान पर डिपेंड करता है। जिस ईंधन की कम मात्रा में अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है वही उसका उच्च ऊष्मीमान कहलाता है। वह अच्छा ईंधन माना जाता है जिसमें ऊष्मीमान अधिक होता है उसे हम लोग अच्छा ईंधन मानते हैं। अतः किसी ईंधन का ऊष्मीमान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके दहन पर उत्पन्न होती है। वह ईंधन के संगठन भार तथा उपयोग में आई वायु की मात्रा पर निर्भर करता है। मतलब कितनी हवा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और कितना उसमें ऊष्मीमान उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ईंधन के जलाने में जो हवा इस्तेमाल की जा रही है उसकी मात्रा भी डिपेंड करती है कि आपने कम से कम मात्रा का इस्तेमाल किया और ज्यादा से ज्यादा उसके ऊष्मीमान प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब कि बेटर ईंधन है और पता चला उसको ज्यादा हवा दे रहे हैं परंतु वो जल ही नहीं रहा है, इसका मतलब वो लो कैलोरीफिक वैल्यू का ऊष्मीमान है। तो अब इसमें समझेंगे हम लोग मुख्य पॉइंट ये आ जाते हैं आपके, कौन से हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसे कहते हैं HCV और इसे क्या था आपका लो कैलोरीफिक वैल्यू LCV। ये तो आपके हो ही गए फ्यूल प्रॉपर्टी और कैलोरीफिक वैल्यू, तो ये कभी शॉर्ट नोट में आ जाते हैं HCV और LCV शॉर्ट नोट में आ जाते हैं, कई बार आए हैं तो इसको भी विशेष से ध्यान से पढ़िएगा। HCV हाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, उच्च ऊष्मीमान उन ईंधनों का होता है जिनके दहन पर उत्पन्न जल वाष्प को संघनित मानते हैं और ऐसा होने पर मुक्त हुई गुप्त ऊष्मा का मान भी ऊष्मीमान में जोड़ दिया जाता है। ऊष्मीमान मात्रा की ऊष्मा की वह मात्रा है जिससे जो इकाई भार ईंधन के पूर्ण दहन पर प्राप्त होती है और उसमें प्रयोग किए गए ताप पर जल वाष्प को भी संघनित या सम्मिलित किया जाता है तथा इन जल वाष्पों के संघनन पर उत्पन्न गुप्त ऊष्मा का मान भी ऊष्मीमान से जुड़ा रहता है। तो आप इसको समझ लीजिए सरल और आसान तरीके से, हाई कैलोरीफिक वैल्यू इकाई मात्रा का ईंधन जिसे जलाने पर ऊष्मा तथा जलवाष्प दोनों का जो सम है वही हमारा हाई कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। यदि हमने इकाई यूनिट का कोई भी ईंधन है इसको जलाने पर इससे हमें हीट प्लस ऊष्मीमान वेपर वैल्यू इसका ये सम होता है हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इकाई यूनिट के ईंधन को जलाने में जो ऊष्मीमान और जल वाष्प का जो
सम है वही हमारा हाई कैलोरिक वैल्यू कहलाता है। और यदि बात करें लो कैलोरिक वैल्यू, तो इसमें क्या होता है जो जल वाष्प है वेपर वैल्यू है इसको कंसीडर नहीं करते हैं, किसमें लो कैलोरिक वैल्यू में। क्या कहते हैं, कुछ ईंधनों के इकाई भार ईंधन से पूर्ण दहन पर प्राप्त ऊष्मा में प्रयोग के ताप पर उत्पन्न जल वाष्प को उसी अवस्था में मानते हैं या उसको संघनित नहीं मानते हैं। मतलब आप समझ गए, किसी भी ईंधन को, या फिर आप सरल भाषा में समझ लीजिए कि मान लीजिए यदि हमने कोई कोयले को जलाया तो कोयले से क्या होगा, हमें ऊष्मा प्राप्त हुई, परंतु जो उसकी जो नमी है या मॉइस्चर है उसकी वैल्यू भी तो कंसीडर की जाएगी। तो हाई कैलोरिक वैल्यू में क्या होता है, जलवाष्प प्लस कैलोरिक वैल्यू इन दोनों का जो योग होता है वही हमारा हाई कैलोरिक वैल्यू कहलाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं एचसीवी। इकाई ईंधन को जलाने पर ऊष्मा तथा जलवाष्प का जो तापमान है वही हमारा हाई कैलोरिक वैल्यू कहलाता है। परंतु लो कैलोरिक वैल्यू, इसमें क्या होता है, इकाई ईंधन को जलाने पर प्राप्त होने वाली ऊष्मीय मात्रा को लो कैलोरिक वैल्यू कहते हैं, इसमें का जल वाष्प को कंसीडर नहीं किया जाता है। मतलब इसमें जल वाष्प को हम लोग नहीं जोड़ते हैं। मतलब हमने जितना कोयला जलाया, इकाई यूनिट का कोयला जलाया और उससे हमें ऊष्मा प्राप्त हुई, वो हमारी लो कैलोरिक वैल्यू के अंतर्गत आ जाती है। और हाई कैलोरिक वैल्यू में क्या होता है, ऊष्मा प्राप्त हुई और साथ में जल वाष्प को भी जोड़ दिया इसी में, तो ये हमारा हाई कैलोरिक वैल्यू कहलाता है। अब इसमें बात करें कि ईंधन का उच्च ऊष्मान या लो ऊष्मान को हम लोग किससे नापते हैं, इसका इकाई क्या है, यूनिट क्या है। तो इसकी यूनिट होती है वो है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसे क्या कहते हैं, BHU। ठीक है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये इसका मात्रक है BTHU। इसी से ईंधन का ऊष्मान हम लोग मेजर करते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप लोगों ने ईंधन के बारे में समझा, साथ ही ईंधन के गुणों के बारे में समझा, ईंधन के ज्वलन ताप के बारे में समझा, जिसमें हम लोगों ने प्रत्येक ईंधन का एक अपना अलग अलग तापमान होता है उसके बारे में समझा, और साथ ही समझा हम लोगों ने उच्च ऊष्मीयमान और निम्न ऊष्मीयमान, जिसे कहते हैं हाई कैलोरिक वैल्यू और लो कैलोरिक वैल्यू। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।